अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा के हिमाचल सरकार पर वार के बाद भाजपा ने अलका लांबा पर पलटवार किया है। हिमाचल भाजपा की उपाध्यक्ष पायल वैद्य ने अलका लांबा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे बिना तथ्यों के बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने केंद्र की मदद से महिलाओं के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पायल वैद्य ने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना और शगुन योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई है, जिनसे महिलाओं को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार महिलाओं के विकास के लिए काम कर रही है। विषय मेरा इतना ही था। हम सभी जानते हैं कि हम चुनावी मोड में हैं और आज क्योंकि जो प्रश्न हमारे ऊपर उठाया गया था, मैं उसका जवाब देने के लिए आप सबके बीच में आई थी, इसके लिए मैं फिर से आपके बीच में आऊंगी। धन्यवाद, मुझे इतनी ही बात कहनी थी। यही प्रश्न उठाया उन्होंने। मैं इसमें ज्यादा बात नहीं कहूंगी। हमने सरकार बनते ही गुड़िया हेल्पलाइन खोली भी थी और उसको लेकर के क्योंकि हमारे ध्यान में था कि इस तरह से प्रदेश में जो है हमारी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिन्हें कभी भी किसी भी समय दिन के किसी भी पहर आवश्यकता पड़ती है, और ये विषय जो है ये सीबीआई के जांच का विषय था, तो इस मामले में ज्यादा बात नहीं कहूंगी। थैंक यू, मैंने इतनी बात आपसे कहनी थी। धन्यवाद। जैसा कि हमने कहा है कि हमें जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनना है। उस योजना में अगर बहनों को लेकर के सब्सिडी की हम बात करें तो उस योजना के अंतर्गत जो भी बहन 1 करोड़ रुपए तक का जब लोन लेती है किसी भी तरह की नई शुरुआत करने के लिए, नए व्यापार की शुरुआत करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो आपकी गाड़ियां लेना हो, कमर्शियल व्हीकल्स की खरीदारी हो, या आपके होम स्टेज बनाना हो, या आपकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाना हो, तो उसमें लेकर के 35% सब्सिडी का प्रावधान अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार में, वो बहनों को सशक्तिकरण करने के लिए, उन्हें जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने के लिए हमने वो सुविधा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपनी बहनों को दी है, और उससे भी आगे बढ़ के मैं अपनी बात को यहां पर समाप्त करना चाहूंगी कि उज्ज्वला गृहिणी योजना में जो गृहिणी सुविधा योजना है जिसमें कि हमने धुआं मुक्त राज्य बनाने का प्रण लिया था और आज हमारा प्रदेश जो है वो पूरी तरह से धुआं मुक्त हो चुका है। उसमें गृहिणी सुविधा योजना में हर घर में सिलेंडर और हर घर में चूल्हा अगर किसी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने दिया। मैं इससे ज्यादा अपनी बात लंबी नहीं कहूंगी क्योंकि आज ये प्रश्न खड़ा किया है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी ने, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि आगे से वो जब भी इस तरह के प्रश्न खड़े करें तो सबसे पहले वो तो होमवर्क कर लें और उसके बाद ही वो ये प्रश्न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी ने अपने वक्तव्य में कहा और उन्होंने ये पूछा है भारतीय जनता पार्टी से और उनकी सरकार, हमारी सरकार से, कि हमने महिलाओं के लिए क्या किया। मैं अलका लांबा जी से सबसे पहले तो ये मेरा प्रश्न है कि आप दिल्ली प्रदेश से यहां आकर के हिमाचल में बैठ करके आप हम लोगों से ये प्रश्न कर रही हैं कि हमने महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए क्या किया। आप पूरी तरह से जानकारी हासिल करके आए और अपना होमवर्क ठीक से करके आए। जिस तरह का काम महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो कार्य महिला सशक्तिकरण के लिए हुए हैं, मैं अलका लांबा जी को बताना चाहती हूं कि चाहे वो एक गरीब बिटिया की शादी की बात हो तो उसमें पहले 31,000 रुपए दिया जाता था, उसे बढ़ाकर के 51,000 रुपए प्रति किया गया, जिसके लिए कि आप चाहें तो आप शादी से 2 महीने पहले आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और शादी के 6 महीने बाद तक आपको ये राशि मिलने की जो है
मिलने का मिलती है। हम विधवा की बात करें तो विधवाओं को लेकर के उन्हें पेंशन अगर किसी ने दी, उनके बारे में अगर किसी ने सोचा, उनकी पेंशन में जो वृद्धि की गई, तो वो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो जिसमें पहले हमारी उन बहनों को 50,000 रुपए मिलता था, उसे बढ़ाकर के 65,000 रुपए किया गया। और उससे भी बढ़ के यहां पर मैं एक योजना का जिक्र करना चाहूंगी जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहल इस प्रदेश में की है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की।